तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं संयुक्ता आप लोगों को स्वागत करती हूँ एस संयुक्ता ब्लॉग्स पे। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं। मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और आज बहुत बारिश हुआ, आप लोग देखिएगा मैं डाल दी हूँ। बारिश हुआ था तो मैं शूट कर रही थी। और ये देखिएगा हमारे ननंद जी जो है वो घर के साफ कर रही है और हाय बोल रही है, आप लोग देख सकते हो। तो देखिए कितना आंगन भीगा हुआ है। उसके बाद मैं लंच का प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, आप लोग देखिएगा लंच का तैयारी मैं क्या क्या बनाई हूँ। दाल चावल मटर करी एंड आलू पकौड़े का भाजा और साग बनाई थी। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा दिख रहा है मटर करी, तो मैं अच्छे से सेट कर रही थी। तो उसके बाद और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और 4 बज गया था। उठे तो देखिए हमारे जो पिंडा में जनी ओसा जो होता है वो बच्चे लोग कर रहे हैं, लड़कियों। तो देखिएगा मैं वो शूट कर रही हूँ। ये जनेऊसा जो है एक मंथ करते हैं और पूर्णिमा के दिन वो उद्यापन करते हैं, तो हमारे पिंडा में ही करते हैं। तो मैं शूट कर रही थी, कितने अच्छे से रंगोली बनाई है आप लोग देखिएगा, भगवान जी की लड़ जगन्नाथ की भी मूर्ति बनाई है और रंगोली अच्छे से कर रही है और वहाँ पर वो पूजा करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है पूजा का माहौल। हे गाइस गुड इवनिंग, और आज मंगलवार है और अभी अभी मैं मुँह हाथ धो के आई हूँ और फ्रेश होंगी अभी, और उसके बाद हम डिनर की तैयारी करेंगे क्योंकि हम गांव में है अभी भी। तो गांव में हम डिनर में क्या क्या बना है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग पर बनी रहिए। देखिए तो अभी बहुत जोर से बारिश हुआ था, तो मैं यहाँ बैठी थी, सब जगह कोई पानी जो है वो टपक रहा था, तो थोड़ी सी जगह बची थी हमारा। तो हमारा ससमा जो है वो चावल बना रही है और मैं आलू का सब्जी जो है कट कर रही थी, और दाल चावल और आलू का सब्जी बनाऊंगी और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था तो जो बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि जो है ना छप्पर के घर में पानी टपकता है तो सब जगह पानी टपक रहा था। तो जल्दी जल्दी से हम डिनर की तैयारी कर रही थी। और देखिएगा तो गाइस गांव का ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगली नई वीडियो आने पर आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं, रखते हैं, बाय बाय।